नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आयुष 64 के बारे में। कोरोना से लड़ने में काफ़ी कारगर और लाभदायक साबित हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने मंगलवार को कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया। इस दौरान विशेष दवाओं के नाम भी जारी किए गए हैं, जिसमें आयुष 64 को कोरोना मरीजों के लिए एक लाभदायक दवा के रूप में बताया गया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आयुष 64 दवा क्या है या किस तरह की दवा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद द्वारा पॉली हर्बल फार्मूला आयुष 64, जो कि हल्के और मध्यम संक्रमित कोविड-19 से कोरोना के मरीज के रोगियों के लिए एक उम्मीद के रूप में उभरी है। आयुष 64 एक टेबलेट फॉर्मेट की दवा है, जो कि 1918 में मलेरिया के इलाज हेतु बनाया गया था, किंतु इस कोरोना काल में इसे कोरोना के लिए पुनर्निर्देशित किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं इस दवा को कौन कौन से औषधियों से मिलाकर बनाया गया है। आयुष 64 के इंग्रेडिएंट्स हैं सप्तपर्णी, कुटकी, चिरायता और कुबेराक्ष। दोस्तों हम इसके इस्तेमाल का तरीका देखते हैं। इसे दिन में दो बार गर्म पानी के साथ दो दो गोलियां लेना है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, कुटकी जो है पित्त कफ नाशक, भूख बढ़ाने में कारगर, किसी भी तरह के बुखार, जैसे चाहे वो टाइफाइड हो या कोई भी बुखार हो आदि में लाभदायक है। इसके अलावा चिरायता पाचन शक्ति को काफ़ी मजबूत करता है, गैस या ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं को भी ये काफ़ी कारगर है। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।